हाय एवरीवन, स्वागत है आपका रसोई विद गपशप में। आज हम बनाएंगे मलाई कुल्फी। उसके लिए हमने 1 लीटर दूध को उबालने रख दिया है। दूध को एक अच्छा सा उबाला आ जाए। दूध को देखिए, उबाला आ गया है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कड़छी भर के चीनी। मैंने 1 कड़छी डाली है, आप अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा कम डाल सकते हैं। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, अब हम इसको दूध को काढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा सा इसको मीडियम कर देते हैं, इसकी फ्लेम को। देखिए दूध हमारा रिड्यूस हो रहा है, और इसको चलाते रहें। ये जो मलाई वगैरह आ रही है साइड में, उसको भी साथ में लेते रहें। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी मलाई। इसको मैंने थोड़ा सा फैट लिया है, इससे हमारी बहुत ही क्रीमी सी कुल्फी बनेगी। और आप इसको फास्ट में भी खा सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कुछ ब्रेड वगैरह इसको गाढ़ा करने के लिए कुछ नहीं डाल रहे हैं। अब हम इसको लगातार चलाते हुए थोड़ा गाढ़ा कर लें, दूध को गाढ़ा कर लेते हैं। ये देखिए दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है, और हमें दूध को उबालते हुए 20-1 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए काफ़ी दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। अब थोड़ी सी हम इसके अंदर डालेंगे इलायची कुटी हुई। बस अब हम गैस को बंद कर देते हैं, और इसको अब हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। कुल्फी का मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है, कितना गाढ़ा हो गया है देखिए। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसको इस कुल्फी के सांचे में भर लेते हैं। इसी तरह से हम सारे हमारे ये कुल्फी के सांचे भर लेते हैं, और इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रीजर में 7-8 घंटे के लिए, या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं। कुल्फी को ओवरनाइट हमने फ्रीजर में रखा है। अब इसको निकाल के देखते हैं। देखिए बढ़िया सी हमारी कुल्फी जम गई है। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। बहुत ही बढ़िया टेस्टी सी, और व्रत में भी आप खा सकते हैं, क्योंकि हमने ना इसमें ब्रेड डाली है ना कॉर्नस्टार्च डाला है। बढ़िया सी हमारी मलाई कुल्फी बन के तैयार है। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया बनती है, और बिल्कुल सिंपल और इजी और बिल्कुल प्योर है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय, खुश रहिए।